हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 सेवन स्टैंडर्ड के लिए द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, मतलब कि जो राख होती है उससे एक ट्री बना, किसे ग्रो हुआ। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमीज का मतलब होता है कि 19th सेंचुरी की बातें जापान के अंदर, दे लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, वहाँ पर बूढ़े दो व्यक्ति रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ में से कपल रहता था, जिनका सिर्फ एक डॉग था छोटा सा पालतू। हैविंग नो चिल्ड्रंस, उनके बच्चे नहीं थे, दे लव्ड इट एज थो इफ वेयर अ बेबी, वो उसको इस तरह से प्यार देते थे जैसे उनका वही वो बच्चा हो। द ओल्ड नेम मेड इट अ कुशन ऑफ अ ब्लू क्रैप एंड एट अ मिल टाइम मुक्को, उसके लिए एक अच्छा सा ब्लू कलर का कुशन भी बनाया था और जो डॉगी था उसका नाम था मुक्को। फॉर दैट वॉट इट्स नेम, उसका नाम था मुक्को। वुड सिट ऑन इट्स एज स्नग एज एनी कैट, वो इस तरह से बैठता था जैसे कि कोई एक बिल्ली बैठी हो। द काइंड ऑफ पीपल फैट द पैट विद अ टिबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, जिस तरह से वो खाना खाते थे चॉपस्टिक से, उसी तरह से उसको एकदम प्यार से उसे भी चॉपस्टिक से खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्टेड दस ट्रीटेड द डॉम क्रिएचर्स लव्ड इट प्रोटेक्टर्स लाइक अ बींग विद अ सॉल, और दोनों उसका बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा उस चीज़ को, मतलब उस डॉगी का ख्याल रखते थे। द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो क्या था, एक फार्मर था जो क्या करता था, राइस उगाता था, मतलब चावल का खेत था उनका। वेंट डेली विद अ हॉय और अ स्पेड, मतलब कि जो खेती करने के लिए जो चीज़ फावड़ा और वो सब यूज़ करते हैं ना, तो वो सब लेके वो जाता था कहाँ पे, फील्ड्स में, इनटू द फील्ड्स। वॉकिंग हार्ड फ्रॉम अ मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा एज अ सन इज कॉल्ड, ओ टेंटो सामा मीन्स जापान में एक तरह से बताया गया कि शाम तक, मतलब सुबह से लेके शाम तक वो वहाँ पर खुदाई मीन्स जो खेती बोलते हैं ना वो खेती करता था। हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, कहाँ पे जाता था वो, हिल्स के पीछे की साइड जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हमेशा मतलब कि रोज वो डॉग उनका उनको फॉलो करता था जहाँ जहाँ ये काम करते थे। नेवर वंस हार्पिंग द हार्मिंग द वाइट हिरोन दैट वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ पे ये डॉग भी वहीं जाता था। फॉर द ओल्ड फिलो वॉज अ पेशेंस एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, ठीक है। फिर इस तरह से वो क्या करते थे कि जैसे जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ पे बर्ड्स होते तो बर्ड्स को वहाँ खाना देते थे, मतलब बहुत ही अच्छे किस्म के लोग थे वो दोनों जन। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन क्या हुआ कि जो डॉग था वो दौड़ते हुए उनके पास आया, मतलब कि जो ओल्ड मैन था उसके पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने क्या किया कि जो अपने पाँव पंजे होते हैं वो पंजे उस ओल्ड मैन के पास में इस तरह से रख दिए। एंड मोशनिंग विथ हिज हैड टू सम स्पोर्ट बिहाइंड, और वो इस तरह से कुछ बताना चाह रहा था कि आप मेरे साथ चलो करके। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, अब उन्हें पहले स्टार्टिंग में यही लगा कि ये तो सिर्फ मेरे साथ ऐसे खेल रहा होगा और उन्होंने उतना दिमाग में नहीं लिया। But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. लेकिन वो क्या कर रहा था, उनके गोल गोल घूम रहा था और कह रहा था कि चलो मेरे साथ, मिस बता बोल नहीं पा रहा था लेकिन उसका कहना इसी तरह का था कि मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ आप मेरे साथ वहाँ पर चलो। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animals began a lovely scratchings. अब उसमें क्या हुआ कि वो लेके गया तो फिर जो ओल्ड मैन था वो उसको फॉलो कर रहा था, फिर एक यार्ड में लेके गया, उस यार्ड में फिर वो क्या करना, स्क्रैचिंग मतलब खोदना उसने स्टार्ट किया, ठीक है। थिंकिंग इट वॉज अ पॉसिबली अ बरीड बोन और बीट और फिश, द ओल्ड मैन स्टक हिज होल इन द अर्थ, अब जैसे कि फावड़ा वगैरह जो होता है उस फावड़े से उधर खोदना स्टार्ट किया। वैन लो अ पाइल ऑफ अ गोल्ड ग्लीम्स बिफोर हिम, तो वहाँ पर जैसे उन्होंने खोदना स्टार्ट किया तो उन्हें वहाँ पर गोल्ड के सिक्के मिले, मतलब सोने के जो सिक्के होते हैं वहाँ पर गड़ा हुआ था तो वो चीज़ उन्हें मिली। Thus in an hour the old couple were made rich, और थोड़े ही घंटों में वो जो ओल्ड कपल थे वो एकदम रिच हो गए, मतलब अमीर हो गए। The good souls bought a piece of land, उसमें क्या हुआ कि ये दोनों फिर बहुत ही अच्छे हुए, फिर उन्होंने जगह अच्छी सी ले ली थी। Feast for their friends and gave a plentifully to their poor neighbors, और फिर उन्होंने क्या किया अपने फ्रेंड्स लोगों को दावत में रखा, फिर जो पुअर लोग होते हैं ठीक है जो गरीब उनके आजू बाजू रहते थे उन लोगों को भी इस दावत में बुलाया था। As for the dog, they pitied
हिम टिल दे नियर बाय स्मॉथर्ड हिम विथ काइंडनेस, और उसे बहुत अच्छे से लाड करने लगे उस डॉगी को, कि एकदम से नहीं सहलाते हैं इस तरह से वो सहलाने लगे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ वीक ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, मतलब कि नहीं जल जैसे जलते हैं कोई, तो इस तरह के ओल्ड मैन और एक वाइफ उनकी रहती थी, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड अ काइंड, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग। और उन लोग का नेचर ही इस तरह का था कि अगर बाहर के भी कोई कुत्ते वगैरह होते थे तो उनको भी लात मार के अपने घर के पास से भगा देते थे। ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस, मतलब कि कोई भी उनके घर के पास से कोई भी डॉग ही जाता था या कुछ भी जाता था तो उनको वो उस तरह से हड़तुल नहीं करते हैं, उस तरह से वो करते थे उन लोग के साथ। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉज्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड द डाइनिटीज होपिंग द वुड फाइंड प्राइसेस फॉर देम, बट द डॉग बींग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर वुड नेदर ईट नॉर मूव। लेकिन वो उस तरह से करते कि जैसे उनको पता चले कि इस डॉगी ने इन लोगों को इस तरह से गोल्ड के सिक्के दिखाए कि इस जगह पे है करके, तो शायद हमें भी इस तरह से दिखा देवे। लेकिन जो डॉगी था उन्हें ये जो कपल थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, ये लोग दोनों उन दोनों को लालच दे रहे थे। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पैड एंड हॉय विद देम, उन्होंने क्या किया कि उस डॉगी को लेके गए और फिर उसे और स्पैड और हॉय होता है मतलब फावड़ा और जो कुछ होता है ना जैसे खोदने के लिए जब जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो लेके गए। नो सूनर हैड द डॉग नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन दे बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ नाइट माइटी स्ट्रेचेस ले बिनेट। अब इसमें क्या होता है कि जो डॉगी होता है उसे तो पता होता है कि ये लोग तो बहुत लालची है करके, तो वो जानबूझ के कोई और जगह पे लेके जाता है और वहाँ पे कहता है कि लो अब यहाँ पे तुम खोदना स्टार्ट कर दो तो आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, उसका कहना ऐसा था। नाउ क्विक वाइफ हैड मी द स्पेड एंड हॉय, तो उसकी वाइफ को वो कहता है कि जाओ जल्दी से जो फावड़ा वगैरह जो है वो तुम लेके आओ। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, मतलब कि जो ओल्ड जो मैन था ठीक है उसको वो क्या बना रहे थे, मूर्ख बना रहे थे ठीक है। एज ही डांस विद द जॉय, वो एकदम से खुशी से नाचने लगा था कि उसे ऐसा लगा कि अभी मुझे तो कुछ मिलने वाला है करके। देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, जैसे उसने वहाँ पर खोदना स्टार्ट किया तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक मरी हुई बिल्ली से, उन्हें सिर्फ वहाँ पर एक बिल्ली मिली। द स्मेल ऑफ विच मेड डैम ड्रॉप देअर टूल्स एंड शॉट देअर नोजेज, और उन्हें क्या किया कि जो टूल्स मतलब कि जो चीज़ें जो साधन से वो चीज़ को खोद रहे थे तो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगी और उनके नाक फिर उन्होंने बंद किया और उस टूल्स को वहीं पर ही फेंक दिया। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वूमैन फिनिश द वर्क बाय नियर बाय चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द हाफ शार्प हॉय, और वो जो नियरली मतलब चॉपिंग मतलब कि वहाँ पर कि जैसे अपने जो गर्दन है उसे वो हिलाता है और कहता है कि चलो ये तो शार्प नॉइज से ये कुछ कर रहा है। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हेड हैव द अर्थ ओवर हिज कारकास। द ओनर ऑफ द डॉग हियर ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड व्हेन एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, अब उन्हें जो ऑनर था उसे लगता है कि मेरा जो डॉग है उसकी डेथ हो गई है ठीक है, जो जिसको इतने टाइम से एक बच्चे के जैसे पाला था और फिर उसने क्या किया एक पाइन ट्री के नीचे उसे दफना दिया। सेट अप सम बाम्बूज ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उन्होंने क्या किया कि जो बाम्बूज ट्यूब्स होते हैं उस ग्राउंड के अंदर डाले, सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स इन विच से ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके ऊपर फिर फ्लावर्स वगैरह ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। देन ही लेट अ कप ऑफ वाटर, और उसमें हमेशा रोज उसके ऊपर कप ऑफ वाटर मतलब पानी डालते थे। एंड अ ट्री फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सीवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, He mourned a great while over him pet, calling him many dear names as if he were alive. That night the spirit of the dog appeared him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice, pastry and a meal for your bean sauce. Ab usne kya kaha ki jo डॉगी था उस ऑनर के सपने में आया था और वो ऐसा कहता था कि जो ये पाइन ट्री है तुम जिस जो उगाया है तुमने तो उसे तुम कट करो और तुम क्या बन जाओगे राइस पेस्ट्री और एक तरह का मिल बन जाना चाहिए ठीक है। नाउ सो द ओल्ड मैन
chopped down the tree and out of the middle of the trunk a section is about a feet long. अब जैसे जैसे वो उसे खोद रहे थे मीन्स कि स्टार्ट कर दिया था डिगिंग करना तो वो बहुत ज़्यादा लंबा था. विद अ ग्रेट लेबर पार्टी बाय अ फायर बाय द चीसल ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस बिग एज अ स्मॉल बाउल. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड. उन्होंने क्या बनाया फिर हैमर बनाया जो किससे बनाया था वुड से. सच एज ए फॉर अ बाउंडिंग बाउंडिंग राइस. ठीक है फिर जो क्या कर सके उस राइस को मतलब कहते हैं ना कि अलग अलग चीज़ बनानी पड़ती है राइस को भी हमें अच्छे से साफ वगैरह करने के लिए सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी. इस तरह से वो कर रहे थे. व्हेन न्यू ईयर्स टाइम्स ड्रू नियर विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. When the was oil all boiled, Granny put it into the mortar. Old man lifted his hammer to pound the mass dough and the blue spell heavy and fast till pastry. ठीक है अब इसमें इस तरह से ही बताया गया है कि वो किस तरह से फिर आगे इनका जो काम है जिस तरह से डॉगी उनके सपने में आया था जो चीज़ कहना चाहता था तो वो सब चीज़ अब इसके अंदर बताई गई. आगे की स्टोरी बेटा आप सब पढ़ लेना. ओके ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है.